हेलो 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 हेलो, वेलकम 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 दोस्तों टू द एंड गेम नंबर 7। आज फिर से रुक वर्सेस बिशप ही है, लेकिन कल क्या था? कल था रुक वर्सेस बिशप द रॉन्ग स्क्वायर, आज है रुक वर्सेस बिशप द राइट स्क्वायर। देखो कल रॉन्ग स्क्वायर में हमने क्या देखा था, मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो रॉन्ग स्क्वायर में हमने क्या देखा था कि जब बिशप का स्क्वायर, मतलब जो बिशप है डार्क स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, और अगर किंग में हमारे डार्क स्क्वायर कॉर्नर के पास है तो ये रॉन्ग स्क्वायर है, क्योंकि ये इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा एंड व्हाइट कैन इजीली चेकमेट। और ब्लैक, आज हम देखेंगे कि बिशप लाइट स्क्वायर है और किंग डार्क स्क्वायर पे है, ठीक है? तो ये अलग अलग स्क्वायर से कलर है, एक लाइट एक डार्क, तो ये राइट स्क्वायर है, क्योंकि ऐसे इन पोजिशन में, इन केसेस में हमारा जो बिशप है वो अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाएगा, ठीक है? अब कैसे करेगा वो देखते हैं। देखो हमने क्या सीखा था व्हाइट की तरफ से कल पिछली एंड गेम में, कि व्हाइट का सिर्फ एक काम है, वो बिशप को अटैक करेगा, यहां से करे डजंट मैटर, इस पर्टिकुलर पोजीशन में अपने को क्या करना है। हमारा मेन एम है कि हमको इसी डायगनल पे रखना होगा अपने बिशप को, क्योंकि अगर इसी डायगनल पे रखेंगे तो जी व्हाइट हमको चेकमेट नहीं कर पाएगा कभी भी, जो मर्जी खेल ले, क्योंकि अगर वो व्हाइट चेकमेट की कोशिश करता है हमारा बिशप हमेशा बीच में आ सकता है और चेकमेट अवॉइड कर सकता है। एंड अगर व्हाइट केयरफुल नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी ऐसा खेल देता है, रुक कहीं पे भी आए इस लाइन में मूव करे, इट्स स्टेलमेट। अगर किंग को मूव करने की कोशिश की जाए इट्स स्टेलमेट, तो उसको रुक ही पीछे लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हमेशा कहीं पे भी आ जाओ लेकिन रहना इसी डायगनल में, अपना मेन एम ही है इस डायगनल में अटैक कर रहा है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से चेक दिया कोई दिक्कत नहीं, वापस आ गए, यही करना है, ऐसे ही डिफेंड होगा। इसीलिए इसका नाम है रुक वर्सेस बिशप द राइट स्क्वायर। अगर तुम डिफेंड कर रहे हो तुमको पता होना चाहिए रुक वर्सेस बिशप में अगर ड्रॉ के चांसेस हैं तो कैसे हैं, तुमको जो बिशप का कलर है उसके अपोजिट कलर में अपना किंग रखना पड़ेगा, अपोजिट कॉर्नर में, अपोजिट कलर के कॉर्नर में टू बी एग्जैक्ट, ओके? तो देखो ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं हम ड्रॉ, क्योंकि कुछ भी करने दो यार, जहां मर्जी जाए अपन तो इस डायगनल पर आएंगे, क्या ही दिक्कत है ना, कुछ भी कर लो, ये लो चेक अगेन ड्रॉ, जितना मर्जी तुम बिशप को थ्रेटन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना इसी डायगनल में, क्योंकि रुक कितने ही रोक लेगा, है ना, कितना ही रोक लेगा, और ऐसे अटैक करते करते कभी ना कभी 50 मूव रूल एंड इट्स अ ड्रॉ, जो मर्जी हो जाए, बहुत सारे मूव हो जाएंगे, क्या पता तुम्हारी पोजीशंस भी रिपीट हो जाए तो उससे भी ड्रॉ हो जाएगा। तो बस यही है यार आज की इस एंड गेम में, मेन तुमने देख लिया ना कि इसके साथ वाले स्क्वायर पे ये जो डायगनल जाएगी ऐसे, इसी पे तुम्हें अपना बिशप रखना पड़ेगा अगर तुम्हें चाहते हो कि ये गेम ड्रॉ हो रुक वर्सेस बिशप। तो पिछले एंड गेम में हमने क्या सीखा था रुक वर्सेस बिशप में कैसे जीत सकते हैं, अगर तुमको तुम स्ट्रॉन्गर साइड हो, बस उसको अपोजिट स्क्वायर्स पे नहीं जाने देना, जैसे बिशप का इस केस में लाइट स्क्वायर है, किंग डार्क स्क्वायर पे है, ऐसे नहीं जाने देना, उसको लाइट स्क्वायर पे लाना तुम्हारा काम है। कैसे लाओगे अब वो तो भाई उस पर डिपेंड करता है, अगर वो गलती कर दे तो ही जाएगा, अब वरना तो सब सही है, अन्ना कुछ तुम अपने आप से कुछ कर सकते हो तो भाई बहुत बढ़िया है, है ना। मेनली इस केस में यही था कि तुमको कैसे तुम डिफेंड कर सकते हो, आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तुमको समझ आया होगा तो तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है? अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, तुम सब्सक्राइब करने में किसी का कोई घाटा नहीं है, है ना। चलो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल एक नई एंड गेम में, तब तक के लिए गुड बाय।